एवरीवन, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रही हूँ कि करवा चौथ में मैंने क्या क्या शॉपिंग करी है। बहुत सारी शॉपिंग कर ली है करवा चौथ में, और करवा चौथ के बहाने, क्योंकि मुझे मेकअप लुक वगैरह भी निकालना रहता है और करवा चौथ में मेरा इस बार कुछ डिसाइड नहीं था। हर बार ऐसा होता था ना, अभी आप ये मत समझिएगा कि मैं हाई फाई हाँक रही हूँ, हाई फाई नहीं हाँक रही, मतलब जब सभी की शादी होती, नई नई शादी होती यार, तो ये होता है ना कि मैं 2000 की साड़ी लूंगी, 3000 की साड़ी लूंगी, 1000 की, 500 की, ऐसा कुछ वाला होता है। फिर धीरे धीरे जब आपका टाइम बीतता है तो फिर ऐसा वाला हो जाता है ना कि चलो ठीक है, जो मिल जाए वही सही। तो फिर इस बार मैंने जो होता है ना कि 3000-4000 की जितनी की भी मुझे साड़ी लेनी थी, उन सब चीज़ों में मैंने दो तीन चीज़ें और ले ली ताकि मेरे वीडियो के लिए भी काम आ सके। और सबसे पहले क्या होता है, हमारा काम ज़रूरी होता है, शौक तो हमेशा पूरी होती है, तो इसलिए मैंने इस बार उतने में ही दो साड़ी मान लो ले ली है, और काफ़ी चीज़ें ले ली हैं ताकि मेरा काम भी हो सके प्लस करवा चौथ का व्रत भी हो सके, दोनों चीज़ें हो सके। सबसे पहले मेरा जो सामान है ना इधर उधर है, तो कभी एयरिंग, कभी बैंगल्स, कभी कपड़े ऐसे आ जाएंगे, तो प्लीज़ फाइंड मत लीजिएगा। अभी जो यहाँ पर प्रेजेंट टाइम में है तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। सबसे पहले मैं आपको ये एयरिंग्स दिखा देती हूँ। ये एयरिंग्स मैंने लोकल मार्केट से ली थी, और ये एयरिंग्स आपको सभी पे मिल जाएगी, मीशो पे भी मिल जाएगी, और जिस पेज से मैं शॉपिंग करती हूँ अम्मी लाइफ स्टाइल, वहाँ पर भी मिल जाएगी। इसके साथ मुझे टीका मिला था, सेम टीका है, तो अभी मैंने टीका नहीं लगाया, सिर्फ इयररिंग्स ही डाली हैं झुमके टाइप की। और जो इसकी क्वालिटी है, जैसी ये दिख रही है सेम वैसी है, आप देख सकते हो। इसमें मैरून और ग्रीन कलर का कॉम्बिनेशन है, साफ एकदम क्लियर है, एकदम क्लियर, आप देख सकते हो, कोई भी फिल्टर नहीं, कुछ भी क्लियर दिख रहा है ताकि आप लोग देख सको, है ना। कुछ इस टाइप की ये ज्वेलरी है, ऐसी झुमकी है और ऐसी मांग टीका है, तो मैं यहाँ पे थोड़ा सा लगा के दिखा दूंगी। कुछ इस तरह का टीका आएगा इसके साथ। और सेकंड मैंने ज्वेलरी ली है, ये मैंने ली है अम्बे लाइफ स्टाइल से, तो वहाँ पे काफ़ी अच्छी इस समय क्या बोलते हैं यार उसको, सेल चल रही है, डिस्काउंट चल रहा है। तो ये कुछ इस तरह की इयररिंग्स आप देख सकते हैं, बहुत प्यारी है। ये मैंने करवा चौथ के लिए लिया है, अभी मेरा कुछ डिसाइड नहीं, बट करवा चौथ के लिए लिए, करवा चौथ के लिए ली, करवा चौथ के लिए इसे मैंने लिया। इसकी फिनिशिंग देखो आप, कितनी अच्छी इयररिंग से, बहुत प्यारी है यार। इसमें छोटी छोटी मोतियाँ लगी हुई हैं, मीनाकारी वाला काम है, और नीचे जो है इस तरह की मोतियाँ लगी हुई हैं। आप इसकी फिनिशिंग देखो, कितनी प्यारी झुमकी है ना, बहुत खूबसूरत झुमकी है। अभी मैं इसे वेयर करके नहीं दिखाऊंगी, फिर बाद में वैसे ही सेम हो जाएगा, है ना। तो और इसके साथ मुझे ये टीका भी रिसीव हुआ है, ये देखो बहुत प्यारा है, सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। तो अभी हमने दो ज्वेलरी की बात कर ली है, इसके बाद आ जाती है मंगलसूत्र की बारी। तो यहाँ पर मैंने कुछ मंगलसूत्र भी लिए हैं, तो जो जो चीज़ें मुझे सामने दिख रही वो मैं दिखा देती हूँ। ये जो है मंगलसूत्र कुछ इस तरह का है, ये देखो, और ये मैंने लोकल मार्केट से लिया था, ये मैंने मीशो पे भी देखा है, इंस्टाग्राम पेज पे भी मैंने देखा है, कई इंस्टाग्राम पेज है वहाँ पर भी मैंने देखा, बट जो उसकी ये मोती थी वो चैन टाइप की ऐसी वाली है, ये वाली मोती नहीं है। और ये भी बहुत प्यारा है, आप देख सकते हो, बहुत खूबसूरत दिख रहा है ना। तो ये मंगलसूत्र एक मैंने लिया है, सेकेंड मंगलसूत्र ये वाला मैंने लिया है, ये देखो, ये छोटू सा है, बहुत प्यारा है, बट अभी तो इसे मैंने कभी भी नहीं पहना, कोई भी मेकअप लुक में नहीं। तो आप देखो गोल्ड टाइप का है ये, देखो इसमें नक लगे हुए हैं छोटे छोटे से, गोल्ड टाइप का है, गोल्ड वाली चैन है, और बीच में ब्लैक ब्लैक सी मोती लगी हुई है, है ना। और एक मिनट, तो चलो अभी हम सारा भंडार अपना ले आए हैं, रख दिए हैं, और इसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ क्या ये जूड़ा, ये जूड़ा जो मैंने लगाया हुआ है, एक ये जूड़ा हो गया और एक ये जुड़ा हो गया, जो इस तरह का है, आप देख सकते हो बिल्कुल वाइट है। और इसमें जो कौन सी क्या बोलते हैं इसको फूल को, मूंगा चमेली का कौन सा फूल बोलते हैं यार, मुझे नहीं पता है। इसमें रेड कलर के फ्लावर्स लगे हुए हैं, ये देखो, ये जो है करवा चौथ पे, करवा चौथ के बहाने हम लोग बहुत सारी शॉपिंग कर लेते हैं। तो ये कुछ इस तरह का जुड़ा हो गया एक, और दो तीन जुड़े मैंने लिए हैं, तो चलो इसको हम डाल देते हैं, इसी में साथ में रखती चलूँगी ना, तो फिर मुझे प्रॉब्लम नहीं होगी, है ना, नीचे रख दूंगी। और सेकंड जुड़ा हमारा ये है, हमारा ये है इस तरह का, ये देखो, ये बहुत प्यारा है, जब ये लगेगा तो बहुत ज्यादा खूबसूरत दिखेगा, आप देख सकते हो। इसमें छोटे छोटे पिंक कलर के रोज लगे हुए हैं, व्हाइट और ग्रीन का कॉम्बिनेशन है, काफी अच्छा सेफ आ जाएगा, जितना भी बड़ा जुड़ा है आराम से आ जाएगा इस तरीके से, ये देखो, है ना।
पास, और एक जोड़ा मेरा ये है, ये भी पॉलिथीन था, नहीं वो वाला दिखाई हूँ। तो ये जो था ये अलग है और ये अलग है, तो देखो आप ये अलग है, ये अलग है और ये भी अलग है, आप देख सकते हो चार जोड़े मैंने लिए हुए हैं। और कुछ चीज़ें लोकल मार्केट की हैं, कुछ अम्बी लाइफ स्टाइल की हैं, तो आप वहाँ पे जाना तो देख लेना, आपको दिख जाएगा, मुझे उतना याद नहीं है कौन सा कहाँ का है। तो कुछ इस तरह का है ये, देखो सारे जोड़े प्यारे लग रहे हैं ना। तो चलो इनको हम साइड रख देते हैं, बाद में रख लेंगे नीचे फुट सबसे। और ये मैंने लिया था ये जो होता है चुंदरी में लगाने वाला, तो इस बार मैंने चुंदरी में, तो इस बार मैंने अपनी चुंदरी चेंज की है, गोटा मैंने इसमें लाके खुद से लगाया है। आप मेरे ब्लॉग चैनल पे देखना, वहाँ पे सब कुछ दिखेगा जैसे जैसे मैंने किया है। और उसमें यही वाले जो लटकन होते हैं ये मैंने लगा दिए हैं मेरी चुंदरी में, जिससे इसका पूरा लुक ही चेंज हो गया है। आप देखो कितनी खूबसूरत दिख रही है ना। तो ये मेरी शादी की चुंदरी है, मैं इसे चेंज करना नहीं चाह रही थी, इसीलिए इसको मैं ले आई हूँ, इसको मैं ले आई हूँ और इसी को मैं लगा दूंगी। तो लगा दूंगी नहीं, लगा दी हूँ तो चेंज हो गया है। तो कहाँ कहाँ रखूँ सामान, पूरा इतना भरा पड़ा है। अभी किसकी बारी आ जाती है, बैंगल्स की। कुछ बैंगल्स दिखाऊंगी, कुछ बैंगल्स नहीं दिखा पाऊंगी क्योंकि इतना ज़्यादा घर मेरा भरा हुआ ना, करवा चौथ मेकअप लुक निकालते निकालते मैं भी भर गई हूँ। माइंड मत लीजिएगा यार, मजाक कर रही हूँ। और ये दो बैंगल्स हैं, ये जो मोती वाले हैं ये देखो इस तरीके के, और जो आजकल चल रहे हैं बहुत ट्रेंडिंग में है ये, एक ओपन करके मैं दिखा देती हूँ। देखो कुछ इस तरह का है ये, देख रहे हो आप, है ना। तो ये काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग में है इस टाइम। तो ये हैं चार आगे पीछे के, और ये दो अलग हैं, ये देखो है ना, ये हो गए और ये बैंगल्स हो गए, ये दो ये मेटल के हैं, ये देखो ये मेटल के हैं, एक ब्लू और एक मेहरून। तो ये हो गए, और चलो पैक हो जाओ यार। सेकेंड हो गए, ये भी हैं, ये निकल गए हैं, कहाँ गए यार, ये मैंने ऐसे ले लिए थे कि कभी कभी मैं रोज़ पहनूंगी, गांव वगैरह जाऊंगी। तो इसका एक कंगन कहाँ गया, इसका एक कंगन कहाँ गया, हो गया लग रहा कहीं गिर गया है। तो ये कुछ इस तरह का है, ये देखो ये रोज़ आप डाल लो इतने इतने से तो बहुत प्यारे लगेंगे। पता नहीं कहाँ इसका एक बैंगल नहीं मिल रहा है, कहीं होगा यहीं कहीं। और अभी मैंने ये वाले देखा है, हाँ ये वाले मुझे बहुत खूबसूरत लगे थे, सबसे प्यारे मुझे यही लगे थे, स्टोन के हैं ये, ये देखो बहुत खूबसूरत है ये अपने में, कितनी शाइन है इसमें, देखो इतने ज़्यादा प्यारे हैं ना, मैं क्या बताऊँ इसको, कितने खूबसूरत लग रहे हैं, है ना। बहुत जब आप इसको हाथ में डालोगे ना तो इसका लुक पूरा चेंज हो जाएगा, ये देखो। चलो अब हाथ में डाला तो मैं दिखा भी दूँ। ये भी जो बैंगल्स हैं ये भी मैंने लिए हैं, ये कुछ इस तरह का, ये अम्बी लाइफ स्टाइल पेज का है, ये ऑनलाइन है, इसको मुझे याद है क्योंकि आज ही मैंने इसको हाथ में डाला तो मुझे याद आ गया। तो आप देख सकते हैं ये भी बहुत ज़्यादा प्यारा, इसकी फिनिशिंग बहुत अच्छी है और काफ़ी कम बजट में आप इसे बाय कर सकते हो, जो पहले वाले थे वो महंगे थे तो इसी वजह से। और ये चूड़ियाँ हैं कुछ, दो दर्जन मैंने नहीं ली हैं लोकल मार्केट से, ये ऑनलाइन भी मिल रही हैं, ये देखो ये रेड कलर की है। अगर मैं रेड साड़ी पहनूंगी तो फिर मैं ये वाली चूड़ियाँ डालूंगी जो मुझे कम लग रही है थोड़ी सी, इसे मुझे और मंगाना पड़ेगा दो दर्जन, अभी तो इतनी है। और एक सेम मैंने इसी में की और ली है, अभी दिखाती हूँ, ये देखो ये देखो ये पहन के मैंने मेकअप लुक भी निकाल लिया है, जो बहुत प्यारी लग रही थी पहनने पे, इसको मैंने चूड़े के साथ पहना था तो काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। तो ये हो गया, आ जाती है ब्लाउज की बारी। तो सबसे पहले हमने एक ब्लाउज लिया है, तो ये कुछ इस तरह का है, आप देख सकते हो इस तरह का ये ब्लाउज है, काफ़ी प्यारा है, ब्लैक कलर का, आप इसे किसी भी आउटफिट के साथ पहन सकते हो। सेकंड ब्लाउज हमारा गोल्डन कलर का है, जो कुछ इस तरह का है, आप देखो ये भी बहुत अच्छा है, इसमें छोटे छोटे से स्टोन लगे हुए हैं, गोल्डन कलर का, किसी के साथ भी जा सकता है, ये लोकल मार्केट के हैं। और एक ये जो है ये पिंक गोल्डन कलर का, ये भी है, ये भी लोकल मार्केट का नहीं है, ये ऑनलाइन है, ये देखो
ये गोल्डन कलर का बहुत प्यारा है। इसमें छोटे छोटे से मटके बने हुए हैं और पीछे का जो सेफ है इसका कुछ इस तरह का है, ये देखो हुक खुल जा रहा। और एक ब्लाउज मैंने पहना हुआ है ये वाला, ये साड़ी का ब्लाउज नहीं है, अभी मैं आपको दिखा देती हूँ। आप देख सकते हो साड़ी का ब्लाउज नहीं है, इसमें इस तरह का राउंड सेफ मतलब कि पूरे नेक पे वर्क है, यहाँ पे स्टोन लगे हुए हैं। और ये दो ब्लाउज जो है वो है अम्बे लाइफ स्टाइल के इंस्टाग्राम पेज के, बहुत अच्छे हैं। तो ये हमारा तीसरा ब्लाउज हो गया, चार ब्लाउज मैंने लिए हैं। साड़ी की बारी, साड़ी सभी गई है, साड़ी के ब्लाउज सिलने गए हैं, बट मैंने कहा चलो आप लोगों को दिखा दूं, तो थक गई हूँ। कुछ इस तरह की ये साड़ी है, आप देख सकते हो पर्पल कलर की, और ये मुझे बहुत पसंद है। तो करवा चौथ के लिए आप बताइएगा मैं कौन सी साड़ी वियर करूं, आप लोग जरूर बताइएगा, प्लीज प्लीज बताइएगा, मुझे अच्छा लगेगा। तो सबसे फर्स्ट साड़ी हमारी ये है, इसका कपड़ा बहुत अच्छा है और इसमें जो है ना राउंड राउंड से ये इस तरीके से वर्क हो रखा है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो फर्स्ट साड़ी हमारी ये हो गई, इसका ब्लाउज, इसके पूरे ब्लाउज में वर्क है, ठीक है। और ये साड़ी मैंने ऐसी ही ली है, ये करवा चौथ के लिए नहीं ली है क्योंकि ये ब्लैक एंड वाइट है और बहुत ज़्यादा चल रही थी, सभी लोग बहुत ज़्यादा इसे पसंद कर रहे थे, पहन रहे थे, तो मैंने कहा चलो मैं भी ले लूँ। देखो साड़ी दिखाने लग गई, मैंने कहा था ना मिक्स मैच हो जाएगा, अभी कुछ बैंगल्स बचे हैं। तो सेकेंड साड़ी हमारी ये हो गई जो ब्लैक एंड वाइट की है, और इसमें ये देखिए पूरा जरी वर्ग है, फिर मिरर वर्ग है, सॉरी मिरर नहीं, क्या बोलती है यार उसको, सितारा, सितारा वर्क है, सीक्वेंस जिसको आप बोलते हो वो, तो ये सीक्वेंस वर्क है और जरी वर्क है, ब्लैक एंड वाइट का कॉम्बिनेशन है। इसके भी ब्लाउज में पूरा वर्क है, ठीक है। तो सेकेंड साड़ी हमारी ये हो, आपको दिखा देते हैं। चौथी साड़ी ये है हमारी, जिसको मैं ऑप्शंस में रखी हूँ, जैसे मैंने पर्पल वाली पूछा, और ये जॉर्जेट की है, ये कुछ इस तरह की है, अब देखो बहुत प्यारी है, ये ग्रीन कलर है, ग्रीन का काई कलर समझ लो आप, उस टाइप की है। मेरे पास नहीं थी एक भी इसमें की, तो इसमें भी पूरे में मिरर वर्क है, आप देख सकते हो जरी वर्क है, बहुत प्यारी ये भी है अपने में, ये भी मुझे बहुत खूबसूरत लगी। तो ये कुछ इस तरह की है, लाइन लग रही है, तो पर्पल कलर, ग्रीन कलर और लास्ट में ये रेड वाली। तो इस पर मैं मेकअप लुक निकालने वाली थी, बट मैंने इसे भी रख दिया करवा चौथ ऑप्शंस के लिए। तो ये कुछ इस तरह की है, खोले जा रही, मुझे ध्यान नहीं कि उल्टा है कि सीधा है, चलो उल्टा तय है। ये देखो ये कुछ इस तरह की है, जैसे चुंदरी टाइप की होती है ना साड़ी, उस टाइप की है, मुझे इसे खोलना ही पड़ेगा क्योंकि ये उल्टी तय है। तो ये देखो ये कुछ इस तरह की साड़ी है, बहुत प्यारी है और पहनने पे भी बहुत खूबसूरत लगेगी। तो ये रेड कलर की साड़ी है, ये सारी साड़ी इंस्टाग्राम पेज की आप देख सकते हो, पूरे में स्टोन लगा है, जरी वर्क है और मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आई। तो आप बताना ये साड़ी करवा चौथ में मैं पहनूँ, फिर या ये पहनूँ, या फिर एक पर्पल वाली, यार फंस गई, ये पर्पल वाली ये पहनूँ, तीनों में से कौन सी है अच्छी लगेगी आप मुझे बताना ज़रूर। तो अभी आप मेरा बैकग्राउंड देखोगे ना तो हाँ सोगे। तो चलो ये हो गया, और इसके बाद हम दिखाते हैं आपको बैंगल्स जो कुछ बचे हुए थे, और बाद में दिखाऊंगी यार क्योंकि आज बहुत थक गई हूँ। ये वाले बैंगल्स जो मैंने पहन के मेकअप लुक निकाला हुआ है, बैंगल कलेक्शन जल्दी आएगा, थोड़ा बहुत दिखा रही हूँ आप लोगों को। और इसके बाद ये मैंने कंगन लिए थे ऐसे पहनने के लिए। सेकेंड एक ये चूड़ा है, चूड़ी हमारी उसी में की सेम थी, इसमें पड़ी है, और तो अलग रखी थी, इसे अलग रखी थी। और हाँ इसका ये देखो ये कंगन है, उसका मैं बोल रही थी ना कहीं है, तो ये जो है ना मेरी साड़ी से मैचिंग मैंने ले आई थी चूड़ी की, अगर मैं ये साड़ी पहनूंगी तो फिर ये पहन लूंगी, अगर ग्रीन पहनूंगी तो ग्रीन पहन लूंगी, और रेड भी ले आई हूँ। तो अब आप तीनों में से मुझे बता देना कौन सी मैं पहनूँ, ज़रूर बताना कमेंट करके, मैं आप लोगों का इंतजार करूँगी, ठीक है। अगर आप लोगों को मेरी शॉपिंग अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना, कोई भी कमी लगी हो तो सजेस्ट कर सकते हो बेफिक्र, और प्लीज़ बहुत सारी अपनी तारीफ कर ली हूँ। मिलती हूँ अच्छे से वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय।